सुप्रभात बच्चों, मैं सुरेखा ताड़े यशोधाम पब्लिक स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि घर पर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? आज से मैं आपको हिंदी विषय जो है हमारा वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक्स हिंदी की कैसी है, कौन सी है। तो देखिए, ये आपकी हिंदी की बुक्स है। इस प्रकार का रंग इस बुक्स का है, हल्का सा पिंक कलर है। इस प्रकार का चित्र यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ऊपर हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। अभी देखिए, मल पृष्ठ देखते हैं, इस प्रकार का है। इस प्रकार का चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए, नीचे लिखा हुआ है महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे। तो इस प्रकार से आपको ये बुक्स खरीदनी है। आज से हम लेसन पहला जो है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले बच्चों, कुछ सवाल या कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना है। हम किस देश में रहते हैं? यस, हम भारत देश में रहते हैं। लेकिन बच्चों देखिए, ये हमारा भारत देश है। ये भारत देश पर पहले मुगलों का राज्य था, फिर मराठों का था, उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए और इस अत्याचार से पीड़ित होकर हमारे जो देशवासी है, जो सैनिक है, वो इन अंग्रेज़ों से लड़े। कई लोगों ने तो अपने जान की बाजी अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए दे दी, अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी आपको, हमको, सबको मालूम है। तो इसी प्रकार से आज जिसके बारे में या जिसकी कविता हम पढ़ने वाले हैं, वो कवि भी एक स्वतंत्र सेनानी थे। एक स्वतंत्र सेनानी थे यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ वह हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े। और इस प्रकार के जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति किस प्रकार का प्रेम है, वह इस कविता में हमें बताया गया है, जिसका नाम है हे मातृभूमि। क्या नाम है कविता का? हे मातृभूमि। मातृ मतलब माता और भूमि मतलब यानी हमारा देश, हमारा देश यानी जिस देश में हमारा जन्म होता है उसे हम मातृभूमि कहते हैं। यानी वो भूमि हमारे लिए हमारे माँ से भी बढ़कर होती है। जो हमें जन्म देती है ना, वो हमारी माँ, उनसे भी बढ़कर हमें हमारी मातृभूमि होती है। तो ये जो कविता लिखी है, इस कविता लिखने वाले जो कवि है उनका नाम है रामप्रसाद बिस्मिल।
बच्चों, कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय मैं इनका देती हूँ कि ये जो कवि है रामप्रसाद बिस्मिल, ये शाहजहानपुर जो है यहाँ पर 1897 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। इनका परिचय देखिए इस प्रकार से है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रामप्रसाद बिस्मिल जो है एक स्वतंत्र सेनानी थे, अपने मातृभूमि के लिए वह लड़े थे, और इन्होंने देखिए अपनी जो रचनाएं हैं, कहानी है, जो लेख है, वह राम और अज्ञात इस उपनाम से उन्होंने लेखन किया हुआ है। अभी और इनके बारे में एक बात बताती हूँ कि आपने वो गाना सुना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए में है, ऐसा ही है ना गाना। तो ये गाना जो है ये रामप्रसाद बिस्मिल इन्होंने ही लिखा हुआ है। तो देखिए, देखते हैं इनकी कविता की इन्होंने किस प्रकार से अपनी मातृभूमि का गुणगान किया हुआ है। ए मातृभूमि तेरे चरणों में शीष नवाऊ, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीष नवाऊ, मैं भक्ति भेंट अपने तेरे शरण में आऊ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मेरा तेरा ही नाम गाऊ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीष पे चढ़ाऊ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाओ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। तो इस प्रकार का वर्णन जो है कवि ने मातृभूमि का किया हुआ है। अब हम उसका स्टेप बाय स्टेप स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाओ। कवि क्या कहते हैं मातृभूमि को कि मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाना चाहता हूँ, तुझे नमन करना चाहता हूँ, तुझे प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में आऊँ, और मैं हमेशा ही तेरे शरण में आना चाहता हूँ। क्या लेकर? भक्ति भेंट लेकर, भक्ति की जो भेंट है उस भेंट को लेकर मैं हमेशा तेरे चरण में रहना चाहता हूँ, तेरे चरण में आना चाहता हूँ। अब देखिए दूसरी पंक्तियाँ, माथे पे तू हो चंदन, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊ। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो चंदन हम लगाते हैं माथे पर, चंदन के बारे में तो आप लोगों ने सुना है, चंदन कैसा रहता है, सुहासित सुगंधित रहता है, और वह हमें शीतलता भी देता है। तो इसी प्रकार से माथे पे तू हो चंदन, यानी मैं तुझे हमेशा यानी अपने माथे पर रखना चाहता हूँ। जो चंदन मैं लगाता हूँ वो चंदन यानि मतलब वो मेरी मातृभूमि ही है। मेरे मस्तक पर तुम चंदन के समान विराजमान हो, ऐसा कवि कहते हैं। तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो, यानि जो गले में हम माला पहनते हैं ना भगवान के नाम की माला,
तो वह जो माला है, वह माला पहनकर जैसे हम सुशोभित यानी सुंदर दिखते हैं ना, उसी तरह मैं तुझे माला के समान गले में रखना चाहता हूँ। तुम्हें अपने हृदय पर माला के समान सुशोभित करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊँ, और हमेशा मैं तेरा ही नाम अपने जिह्वा पे रखना चाहता हूँ। अन्य किसी का नाम मुझे जिह्वा पे रखना अच्छा नहीं लगता। मैं तेरे ही नाम की रट हमेशा लगाना चाहता हूँ, तेरा ही नाम जिह्वा पे रखना चाहता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। देखिए, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। क्या कहते हैं कवि कि ये माँ भारत माँ की इस भूमि पर यानी इस भूमि में जैसे राम और कृष्ण इन्होंने जन्म लिया, लोक कल्याण के लिए इन्होंने जन्म लिया था, लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए इन लोगों ने जन्म लिया हुआ था, तो ऐसे ही भूमि में मैं रहना चाहता हूँ और अपना शीश जो है वह तेरे चरणों में नित्य चढ़ाना चाहता हूँ, तेरे सामने हमेशा मैं सिर झुकाना चाहता हूँ, और ऐसे भूमि को मैं रोज नित्य प्रणाम करना चाहता हूँ, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। तो अभी देखिए, शीश नवाऊ, शीश का मतलब क्या है? माथा, मस्तक, है ना। नवाऊ का मतलब झुकाना। उसके बाद और कौन से शब्द आए हैं? भेंट, भेंट मतलब उपहार, है ना, गिफ्ट। सपूत यानि सुपुत्र, अच्छे पुत्र जिसे हम कहते हैं। किसे कहा है अच्छे पुत्र? राम और कृष्ण को। उसके बाद और एक शब्द है उपजे, उपजाना, ऐसा वर्ड हमने सुना होगा, उपजा उसका इसका मतलब है पैदा होना। और नीच का मतलब है अपने। तो इस प्रकार से कवि मातृभूमि के चरणों में अपना शीश नवाना चाहते हैं, उन्हें भक्ति भेंट के रूप में हमेशा वह उनके शरण में रहना चाहते हैं। छाती पर जो माला है, माथे पर जो चंदन है, उसी चंदन और माला के रूप में वह हमेशा यानी अपनी मातृभूमि को रखना चाहते हैं। और इस भूमि में जो राम कृष्ण ये जो सुपुत है, सुपुत्र है, इन्होंने लोक कल्याण के लिए काम किया है, ऐसे जन्मभूमि में उनका जन्म हुआ, यह भी वह मातृभूमि को धन्यवाद देते हैं। अभी आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊँ। माई, माई शब्द मतलब, माई का मतलब होता है माँ, जननी,
माता हुँ? तो उन्होंने मातृभूमि को क्या कहा है, माई कहा है, माता कहा है। तो जिस प्रकार से समुद्र जो है वह धरती के पद को, यानी आपको पता है कि जो धरती का जो पद है, मतलब नीचे का जो भाग है, अगर हम भारत का नक्शा देखेंगे तो नीचे का जो हिस्सा है हुँ? नीचे का हिस्सा कौन सा आता है, जैसे हिंद महासागर है ना दक्षिण दिशा में, तो इस प्रकार से यह जो हिंद महासागर है वह हमेशा क्या करता है, तेरे पदरज को नित्य धोकर, यानी तेरे पद हमेशा रोज धोता है। पद का मतलब है यहाँ पर पैर हुँ? और रज का मतलब है धूल। हे माँ, समुद्र सदा तेरे चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो हिंद महासागर है, उस हिंद महासागर यानी आपके चरण धोता है, आपके चरणों को धोता है, तो ऐसे यानी हिंद महासागर को मैं प्रणाम करता हूँ और हमेशा ही तेरे चरणों में रहना चाहता हूँ और हमेशा ही तेरी सेवा मरते दम तक करना चाहता हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों, यहाँ तक आपको ये जो कविता है, ये उसका जो स्पष्टीकरण है वो आपको समझ में आया होगा हुँ? तो आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो आपको यानी आपके ग्रुप पर सेंड करना है, कंपल्सरी है हाँ? आज का जो होमवर्क है, देखिए ये जो शब्द मैंने दिए शब्दार्थ, ये शब्दार्थ उनका जो अर्थ है ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी की कविता हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। चला सर, चला जाऊ ना तीन।